अब तुम्हारे कुछ प्रश्न हैं, इसके माध्यम से अब हम सत्संग में चलते हैं। एक मित्र ने पूछा है, व्हाट शुड वी डू टू पर्संस टू हुम वी डू गुड बट दे कंटिन्यूअसली डिच अस। पूछते हैं कि हम उन लोगों के साथ क्या करें जो जिनका भला हम करते हैं लेकिन वे हमें धोखा दे देते हैं। तुम साधक हो, तुम संसारी नहीं हो। प्रतिशोध, बदले की भावना, रिवेंज, ये तुम्हारी डिक्शनरी में नहीं है। संसारी के लिए ठीक है, ईंट का जवाब पत्थर से दो, टिट फॉर टैट, लेकिन साधक के लिए क्या ठीक है? साधक प्रतिक्रिया नहीं करता, प्रोएक्टिव होता है। संसारी क्या करता है? प्रतिक्रिया करता है, कर्म नहीं करता, प्रतिकर्म करता है। किसी ने उसकी तारीफ की तो कहेगा ये बड़ा अच्छा आदमी है, किसी ने आलोचना कर दी कहेगा ये बहुत बुरा आदमी है। अब तुम्हारी आलोचना और प्रशंसा करने से कैसे ये निर्धारित होगा कि कोई अच्छा है या बुरा है? लेकिन संसारी की यही कसौटी है, जो उसको अच्छा मानता है, जो उसको अच्छा कहता है, उसको वो भी कहता है कि अच्छा आदमी है। लेकिन एक साधक क्या कहेगा? साधक सब्जेक्टिव आधार पर नहीं तय करेगा कि कौन अच्छा है और कौन बुरा है, वो ऑब्जेक्टिव आधार पर तय करेगा कि कौन अच्छा है और कौन बुरा है। वो मेरे प्रति क्या व्यवहार कर रहा है सब्जेक्टिवली, इससे नहीं तय होती बात। वो उसमें कुछ गुण है, कुछ अवगुण हो सकते हैं, उसके गुणों को देखो, उसके अवगुणों को देखो, लेकिन उसके साथ तुम्हारा व्यवहार पॉजिटिव हो, तुम्हारा व्यवहार प्रतिक्रियात्मक नहीं हो, प्रोएक्टिव हो। प्रोएक्टिव का क्या मतलब है? तुम जो कर सकते हो वो करो, और एक साधक हमेशा सबका मंगल चाहता है, सबका मंगल। अगर कोई तुम्हारे प्रति बुरा है तो कहो कि परमात्मा इसको सुबुद्धि दियो, तुमने तो मंगल चाहा, इसको सुबुद्धि दो, इसको सन्मति दो। अब रही बात, तुमको किसी ने धोखा दे दिया, क्या करना चाहिए हमें? एक दृष्टांत मुझे याद आता है। मैं इंडियन स्कूल ऑफ माइंस धनबाद में लेक्चरर था और जेम स्टोन्स की टेस्टिंग का जिम्मा मेरा ही था, क्योंकि जियोलॉजिस्ट होने के नाते जेम स्टोन की टेस्टिंग लोग आते थे, सर्टिफिकेट लेने के लिए आते थे, और स्कूल ऑफ माइंस का सर्टिफिकेट अगर मिल जाए तो अपना स्टोन उनको बेचने में सुविधा होती थी। तो एक बार एक लाल एक रूबी का टेस्ट कराने मुंगेर के एक सज्जन आए, पुराने जमींदार थे, लाल साहब उनका नाम था, 80 साल के करीब थे। तो करीब शाम के 4 बजे थे, तो वे आए मेरे पास कि मेरे पास एक रूबी है, इसका आप टेस्ट करके एक सर्टिफिकेट बना दें। मैंने कहा कि आज तो समय हो गया, आप कल आइए। उन्होंने कहा कब आएँ? उन्होंने कहा कल आप 12 बजे करीब आइए, मैं सुबह आकर के इसको टेस्ट करूँगा। वे दूसरे दिन 12 बजे पहुँचे, उसके पहले मैंने टेस्ट किया और वह रूबी बहुत ही कीमती था, ऐसा रूबी मैंने पहले कभी देखा नहीं था, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट, फ्लॉलेस और ब्लड रेड, इतना सुंदर रूबी था। उस ज़माने में करीब 70 के दशक की बात मैं कह रहा हूँ, उसकी कीमत 5 लाख रुपए मैंने लगाई थी। जब आए लाल साहब तो मैंने उनके सामने करीब 8-10 रूबी या रूबी दिखने वाले स्टोन रख दिए, क्योंकि बहुत लोग आते थे टेस्ट करने के लिए, बहुत चूँकि शौक था तो मैं भी जमा करके रखता था स्टोन्स। मैंने कहा कि लाल साहब इसमें आपका रूबी कौन है? लाल साहब ने कहा कि सब रूबी मुझे एक ही जैसे सारे स्टोन दिखाई दे रहे हैं, मुझे पता नहीं चल रहा है। मैंने कहा इसमें आपका भी रूबी है, उसकी कीमत 5 लाख रुपए है।
और बाकी जो स्टोन्स मैं आपको दिखा रहा हूँ, कोई 500 रुपया, कोई 1000 रुपया, कोई 2000 रुपया, आपने इतना कैसे भरोसा कर लिया कि आप मुझे परिचित नहीं थे, आप मुझे जानते नहीं थे, आप सीधे दे करके चले गए। ऐसा भी तो हो सकता था कि मैं आपका रूबी रख लेता और कोई दूसरा स्टोन दे देता, कह देते ये तो 2000 रुपये कीमत है इसकी। वो हंसने लगे। उन्होंने कहा कि आपको पता है मेरे बारे में? हमने कहा कि नहीं, कुछ भी पता नहीं, आप बताइए। बोले कि हैदराबाद के निज़ाम के बाद सबसे ज़्यादा रत्न जवाहरत मेरे पास थे, और आज के पहले 100 से ज़्यादा लोगों ने मुझे धोखा दिया, लेकिन मैं अभी भी विश्वास करता हूँ। तो इस बुज़ुर्ग की एक बात को आप ख्याल रखना, किसी से धोखा खा लेना, लेकिन आदमी की आदमियत पर आस्था मत खो देना। वो बात बड़ी गहरी लगी मुझे। धोखा खा लेना, कुछ भी नहीं गया, सैकड़ों लोगों ने मुझे धोखा दिया लेकिन मेरा कुछ भी नहीं गया, अभी भी मुझे मेरे पास बहुत जवाहरात है, बिहार का सबसे धनिक व्यक्ति मैं हूँ, क्या बिगड़ा? अगर आपने भी मुझे धोखा दिया होता तो मेरा कुछ नहीं बिगड़ता, धोखा देने वाले की सूची में एक आपका भी नाम लिख लेता। लेकिन इस बुज़ुर्ग की बात याद रखना कि आप भी किसी से धोखा खा लो और आपने भरोसा खो दिया कि सब लोग ऐसे ही हैं, तो आपका बहुत कुछ चला गया। वो बात मुझे आज भी याद है, वही बात मैं तुम सबसे कहना चाहता हूँ। बहुत से लोग होते हैं और दोस्त ही धोखा देते हैं, दुश्मन धोखा नहीं देते। धोखा खा लेना तो कोई बात नहीं, उसे सीखना, वो सीख ले लेना, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि जो भी अब आ रहा है वो धोखा दे सकता है। अगर ऐसी नेगेटिव दृष्टि बना लोगे तो फिर ज़िंदगी में उत्सव नहीं आ सकता, तुम्हारी ज़िंदगी में आनंद नहीं आ सकता, तुम्हारी ज़िंदगी में प्रेम नहीं घटित हो सकता। तुम आनंद खो दोगे, तुम प्रेम खो दोगे, तुम उत्सव खो दोगे, तुम पॉजिटिविटी खो दोगे, और वह जो हानि होगी वो बहुत बड़ी हानि हो जाएगी। लेट्स एक्नॉलेज।